शिक्षा के जिससे जीवन में उजियारा है, शिक्षा हमसे छूट गई तो, शिक्षा हमसे छूट गई तो जीवन कर अंधियारा है। बहनों चलो दोहराएं इस हफ्ते के सारे अक्षर और मात्राएं। आओ आज मेरे साथ दोहराओ। न म क ल आ का डंडा बड़ी ई की मात्रा। क्यों याद थी या भूल गई थी? चलो एक बार फिर देखें। न म क ल आ का डंडा और बड़ी ई की मात्रा। चलो अब तो याद रहेंगे ना? देखो हम लोग आज यहाँ अपने भले की कुछ बातें करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। भाई काम तो हम तुम करते ही रहते हैं, पर कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें नाम भी होता है। पर ऐसा कौन सा काम है रहीम चाचा? इस जगह को देखो, थोड़ा पानी और भर जाए तो निकलना मुश्किल हो जाए। भरता है तो सूख भी तो जाता है। मगर सोचो तो आने जाने वालों को कितनी परेशानी होती है। याद है पिछले साल जानवरों के मेले में हमारे गांव से कोई भी नहीं जा सका था। ठीक कहते हो रहीम चाचा, पिछली ईद पर मुसलमान भाई ईदगाह तक नहीं जा सके, घुटने घुटने पानी था। और जानते हो इस रुके हुए पानी में मच्छर पैदा होते हैं जिससे मलेरिया फैल सकता है। रहीम भैया जल्दी बताओ करना क्या है, मुझे खेत पर जाना है। भाई बात बहुत आसान सी है, हम यहाँ एक सड़क बनाएंगे। सड़क? पर यहाँ तो बहुत भराव करना होगा, इसमें तो बरसों लग जाएंगे। अरे काम शुरू करने से पहले ही मत आने लगे। अरे भाई हम काम शुरू करेंगे तो दूसरे गांव के लोग भी आ जाएंगे हाथ बटाने। अच्छा भाई वाह। हाँ मैं जिस जिस गाँव में भी चिट्ठी बांटने जाऊंगा वहाँ के लोगों से भी कह दूंगा। मौसी गांव की सब औरतों को ले आएगी। देरी बस काम शुरू करने की है, फिर तुम देखना पलक झपकते ही सड़क बन जाएगी। मगर वो सड़क तो कच्ची बनेगी ना? अरे भैया हर पक्की सड़क पहले कच्ची थी। अरे कच्ची सड़क तो बनने दो, फिर सारे गाँव के सरपंच शहर में मंत्री जी से मिलकर उसे पक्का भी करवा लेंगे। तो फिर देरी किस बात की है, अच्छा सा मुहूर्त देखकर श्री गणेश कर दो। ये भी हो जाएगा, बस तुम सब गाँव में ये पैगाम पहुँचा दो कि हम वो काम करने जा रहे हैं जिसमें सबका भला है, सारे गांव का भला है। और फिर काम का काम है नाम का नाम है। का म काम, का म काम, काम का काम और नाम का नाम। ना म नाम, का ना म नाम। इस अक्षर को कहते हैं माँ। क्या कहते हैं? माँ। अब इस माँ में हम लगाएंगे आ का डंडा, ठीक है? अभी क्या बन गया? माँ। 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 हाँ। अब इसी के साथ हमने लगाया ल। क्या बन गया? शाबाश, बोलो। माल। माल। अब इस ल में हमने लगाई ई की मात्रा। माली। 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 क्या बन गया? माली। म आ का डंडा मा ल ई माली। 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 अच्छा जानते हो कमला ने घर में गुलाब लगाया है, माली से पौधा लाई थी। अब गुलाब में फूल बहुत अच्छा निकल रहा है तो नाम इसका होगा। हाँ माली का काम और कमला का नाम। देखो गौरी ने कितना अच्छा लिखा, कितना साफ साफ सबने लिखा है ऐसे। देखे नमस्ते बहनों, आज तक हमने जितनी मात्राएं और अक्षर सीखे हैं आज हम उन्हें दोहराएंगे। पहला ना अक्षर।
ना, ना तो है बिल्कुल नल जैसा, साफ पानी देने वाले नल जैसा। हाँ ये है ना। और अब माँ। माँ, अगर यही नल उलट जाए और पानी ऊपर की ओर जाने लगे तो बन जाता है अक्षर माँ। अब का क, भला इसे कैसे भूल सकते हैं। कान, दूसरा कान, और बन गया क। तुमने तो सारे अक्षर लिख डाले, शाबाश। अब तो तुम मुझसे भी ज्यादा तेज लिखने लगी होगी, है ना? बहनों, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, इसलिए खुद भी पढ़ो और दूसरों को भी पढ़ाओ। अब इसके आगे है क, मा, कमल। क्या बन गया? कमल। अरे कमला, तेरे पति के नाम का कमल है? तो अरे अब रख देना, बहुत मानता है ना वो तेरा कहना। हाँ। याद है और कौन कौन से अक्षर और मात्राएं सीखी थी? ना तो हम सीख ही चुके हैं, बस इसी पर रखा ये हसिया और बन गया ल। खेतों को कौओं से चिड़ियों से बचाता है, लगता है ना बिल्कुल आग के डंडे जैसा। बड़ी ई की मात्रा हत्थे वाली बड़ी सुई जैसी, वो जब चुभती है तो बस ई निकलती है, याद था ना? क्यों बहनों, कितने अच्छे लगते हैं ना ये छोटे छोटे मोटे मोटे सुंदर सलोने अक्षर और मात्राएं, है ना? और जब यही अक्षर और मात्राएं आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो नए नए शब्द बनते हैं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ गीता? देखो गीता, मैं तुम्हें इस तरह से अपने पांव पे कुल्हाड़ी नहीं मारने दूंगा। जानते हो तुम में और मुझ में क्या अंतर है? क्या? ये कि तुम्हारा नाम आदर्श है लेकिन मेरे सामने आदर्श है। क्या मतलब? मतलब साफ है। देखो आदर्श, मैं अगर चाहूँ तो आगे पढ़ सकती हूँ और चाहूँ तो शादी करके आराम से शहर में भी रह सकती हूँ, लेकिन नहीं, मेरा आदर्श कहता है कि जो शिक्षा मुझे भगवान से वरदान में मिली है मैं उसे घर घर बांटूं, और खास तौर पर उन गांव की बहनों में जो आज तक इससे वंचित रही हैं। देखो गीता, ये कांटों भरा रास्ता है। जानती हूँ, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हमारी आगे आने वाली नस्लें फूल चुने तो इन कांटों भरी डगर पे तो हमें चलना ही होगा। इसका मतलब तुम मुझे छोड़ जाओगी? मैंने ये कब कहा, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि आने वाले वक्त में जीवन के किसी भी मोड़ पर अगर हमारी फिर से मुलाकात होती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो तुमने फैसला कर ही लिया कि तुम गांव जाओगी? हाँ,
ठीक है। का 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 का, मा 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 मा, ना 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 ना, क म कम, काम काम कम काम, क म कम, क मा ना कमाना कम कमाना, न ल नल, न आ ल नाल, ना ला नाला, काम की कमी, का म की कमी काम की कमी, न आ का डंडा, ल बड़ी की मात्रा, ना ली, म आ का डंडा, ल बड़ी की मात्रा, माली, ल आ का डंडा, ल बड़ी की मात्रा, लाली, क म कम, न म नम, म न मन, न म क नमक, क आ का डंडा, म काम, न आ का डंडा, म नाम, क आ का डंडा, न कान, न आ का डंडा, क नाम, क आ का डंडा, क आ का डंडा, का का, म आ का डंडा, म आ का डंडा, मामा, न ल नल, क ल कल, क ल म कलम, क बड़ी ई की मात्रा, ल कील, न बड़ी ई की मात्रा, ल नील, न बड़ी ई की मात्रा, म नीम। बहनों, हमें आज सीखना है अक्षर प और ए की मात्रा। अच्छा ये बताओ, तुम पानी कैसे पीती हो? इसी तरह ओक से ना, जैसे रहीम चाचा पी रहे हैं। उनका हाथ देखो, बिल्कुल अक्षर प जैसा दिखता है। प, ये तो याद रहेगा ना, ओक, ओक से पानी पीना, और ये बन गया प। पानी पीना, प आ न ई पानी, प ई न आ पीना। अरे ये क्या है, प आ न ई पानी का, प ई प आ पीपा, पानी का पीपा। शिक्षा विभाग को चिट्ठी भिजवाई है कि हमारे स्कूल में एक लाइब्रेरी खोलें। लाइब्रेरी? पर उससे क्या होगा बहन जी? उससे लोगों को अच्छी अच्छी किताबें मिलेंगी पढ़ने को। अरे बहन जी, कुछ ना होने का, आप तो बेकार ही मेहनत कर रहे हो। बहन जी, ये जो काम के लोग हैं ना, ये ना पढ़ने लिखने के, कह दो। क्यों, तू नहीं पढ़ रही? फिर अपनी गौरी है, रहीम चाचा की पत्नी है, सुंदर की माँ और बहन, और सुधा। अरे बहन जी, हम लोगों की बात तो और है, हम तो सब आपकी बात माने हैं। देख कमला, असली बात तो एक दिए के जलने की है, अगर वो जलता रहे ना तो उससे हजारों दिए जलाए जा सकते हैं।
बात तो सही है बहन जी, पर जो मौसी है ना वो तो ये कह रही थी कि आप जो है गांव की लड़कियों को बिगाड़ रही हो। तो देखना कमला, मौसी भी एक दिन तेरी क्लास में बैठी होंगी। अच्छा सुन, हाँ मौसी की दुकान से करेले मंगवा लिए थे? अरे बहन जी कहाँ, उसकी दुकान तो दो दिन से बंद है। दुकान बंद है कमला? हाँ, कहीं वो बीमार तो नहीं? पता नहीं सच सच बताओ बहनों, पढ़ना लिखना कितना आसान है ना, है ना? मुझसे यूं ही रोज मिलती रहो और पढ़ना लिखना सीखती रहो, खुद भी सीखो और दूसरों को भी सिखाओ, ठीक है ना? अरे बाबा रे बाबा, बातों ही बातों में मैं पा लिखना तो भूल ही गई। ये एक मुड़ी हुई लकीर और फिर एक डंडा, वैसा ही डंडा, और आगे वही छत वाली लकीर। फिर से बनाओ पा, ये मुड़ी हुई लकीर खींचो, एक डंडा खींचो और इसके ऊपर छत वाली लकीर पा। समझ आ गया ना? क्या बात है मौसी, कुछ बीमार हो? अरे बीमार पड़े मेरे दुश्मन, मैं क्यों बीमार पड़ने लगी? देखो मौसी, बीमार तो किसी को भी नहीं होना चाहिए। अरे तुम्हारा तो माथा भी गर्म है। अरे बहन जी, मेरा माथा तो इसे देख के गर्म हो जावे। पेट में दर्द है ना? अच्छा तो ये है तुम्हारी बीमारी की जड़। मौसी ये पानी तुम तालाब से लाई थी ना? नहीं, लो बोलो, अब पानी क्यों फेंक दिया? इसी की वजह से तुम बीमार हुई हो। अरे बहन जी, जब से तू इस काम में आई है तब से नई नई बातें होने लगी हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे पहले सारे गांव के लोग इसी जोड़ का पानी पीवे थे, तब तो कोई बीमार ना पड़े था। देखो मौसी, उस जमाने में इस तालाब का पानी बहुत गहरा रहा होगा, लेकिन अब गंदगी जमा होते होते इसका पानी बहुत कम हो गया है। चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ होती है और हर समय गाय भैंस। बहन जी मेरे बस की ना है होती दूर नल से पानी लाने की। गौरी यहाँ, इसे अच्छी तरह से साफ करके इसमें मौसी के लिए पानी लेकर आ। ना पीने की, ना पीने की, तेरे घर का पानी ना पीने की, मैं ना पीने की, ना पीने की, मैं तेरे घर का पानी ना अभी पीने तो की। पीना ही पड़ेगा मौसी, लेकिन घर ही में ऐसा साधन हो सकता है जिसे तुम्हारे इस तालाब का पानी साफ हो जाए। अरे तो क्या साबुन से धोएगी पानी को? हाँ मौसी, उसका भी एक बहुत आसान तरीका है, लेकिन तुम पहले ठीक हो जाओ फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। हाँ ठीक हूँ। अच्छा मौसी, अभी तुम्हारे लिए गौरी पानी लेकर आती होगी और वो तुम्हारे पास ही बैठेगी। अरे बहन जी, उसे तू अपने पास ही रख। मौसी तुम बीमार हो, देखो वो तुम्हारे पास ही बैठेगी, मैं अभी स्कूल बंद करके तुम्हारे पास वापस आऊंगी, ठीक है? ये साथ साथ रखे दो झुके हुए डंडे अय की मात्रा के, जो प के साथ आवाज बनाते हैं पय की, म के साथ मई, न के साथ नई और ल के साथ लई। अय की मात्रा किसी भी अक्षर में अय की आवाज जोड़ देती है, जैसे ल के साथ लई, न के साथ नई, म के साथ मई और प के साथ पय। ये है पय माना, प आई, म आ, न आ, पय माना। पैमाना किसका माता है ये तो आप सब जानते ही हैं ना? ये क्या है? अरे
ये तो पान है। हाँ, प आ न पान। फिर से देखें, प आ न पान। अरे अरे, ये क्या पान खाकर सड़क पर थूकना, कितनी बुरी बात है। इन्होंने सड़क को क्या कर दिया, म आई ल आ मै ला। आप तो याद रखेंगी ना, पान खाकर सड़क को मैला ना करना, मै ला। देखो, इन्होंने मिट्टी भरे हाथ इस बाल्टी में धोए और फिर उसी पानी को पीने जा रहे हैं। नहीं नहीं, मैला पानी ना पीना। आप जानती हैं, आधी बीमारियों की जड़ है मैला पानी। अब देखिए अक्षर प और ऐ की मात्रा से क्या क्या बनता है। मा ऐ ला मैल। मा ऐ ला आ मैला। पा आ ना पान। पा आ ना ई पानी। पा ई ना आ पीना। पा आई मा आ ना आ पैमाना। देखती है तो देखती रहे। अब कैसी तबीयत है मौसी? अरे ये मुझे चैन लेने देवे तब ना। मौसी, तुम तो पूरे गांव से प्यार करती हो, और ये गौरी, ये तो गांव भर में सबसे प्यारी है, फिर तुम इससे प्यार क्यों नहीं करती? हाँ है तो, पर ये भी तो मुझे सतावे है। क्या सताती है? जानती हो, पूरे गांव में यही है जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती है। हाँ। भूल गई मौसी, आज ही का दिन तो था, आज से पूरे एक साल पहले कितना बड़ा अनर्थ हो गया था इसके साथ। बेटे
शादी चला के अपनी मंजिल।